वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक तेलुगु मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है पंचतंत्र की कहानियाँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि पंचतंत्र की कहानियों में पांच कहानियाँ होती है, तो सेम इस मूवी में भी पांच अलग अलग कहानियाँ है। मूवी थोड़ी लंबी है, शायद वीडियो भी थोड़ी लंबी हो सकती है। और इसी तरह ये मूवी ये दिल मांगे मोर आह प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई। अब मूवी के बारे में बात करें तो एक लो बजट मूवी है, लेकिन इस मूवी का जो एनवायरनमेंट है वो मुझे बेहद पसंद आया। हर एक कहानी में एक खूबसूरत गाना भी है, हर एक कहानी हमको एक बहुत ही अच्छा मैसेज देके जाती है। तो सारी कहानियाँ देखकर बताइए आपको कौन सी कहानी पसंद आई। तो चलिए बिना डैमेज के लेट स्टार्ट। टूर से पहले अगर आपने चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराना है तो और प्यार लुटाइए, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी नंबर एक, कहानी का नाम है अटक तेरा, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं कुछ ना कुछ जरूर कहते होंगे। खैर कहानी की शुरुआत में ही कृष्णा नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। आज कोई फेस्टिवल होने की वजह से कृष्णा और उसका फ्रेंड एक मंदिर आते हैं। उसी मंदिर में कृष्णा एक खूबसूरत लड़की को देखता है, इसको पहली नजर में प्यार हो जाता है। इस लड़की का नाम है सत्या। अब कृष्णा के बारे में बात करें तो कृष्णा एक छोटे से गांव का रहने वाला है। इसी गांव में कृष्णा की एक छोटी सी सैलून दुकान होती है। कृष्णा का एक चिड्डी वाला दोस्त होता है जो हमेशा पबजी खेलते रहता है। कभी कभार सत्या अपने भाई को लेकर कृष्णा की दुकान के पास आती है इसके बाल कटवाने के लिए। सत्या को देखते ही कृष्णा की बोलती ही बंद हो जाती है। सत्या के घर में इसका फादर, इसका चाचा, इसकी दादी रहती है। इसके फादर का नाम होता है गोपाल, इसके चाचा का नाम वीरा बाबू। सत्या का चाचा बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, मतलब मर्द मक्खी को भी अपने घर में घुसने नहीं देता। उस गांव में गोपाल की बहुत ही अच्छी इज्जत होती है, पंचायत का मेंबर होता है ये, यू नो सम काइंड ऑफ गांव का बड़ा। इसी दरमियान में एक दिन कृष्णा सत्या के घर जाता है उसे देखने के लिए बहाना बनाकर, लेकिन सत्या के घर में उसके फादर गोपाल को देखकर कृष्णा वहां से जाने लगता है। ये चीज सत्या छत से देख लेती है। दूसरे दिन जब सत्या अपनी छोटी बहन के साथ मंदिर आती है, कृष्णा भी उसको फॉलो करने लगता है। तभी सत्या कृष्णा के पास आकर उसे कहने लगती है, आजकल तुम मुझे कुछ ज्यादा ही फॉलो कर रहे हो, क्या बात है? मैंने देखा था कल तुम मेरे घर आए थे। यह सुनने के बाद कृष्णा हिचकिचाने लगता है। सत्या दोबारा कहने लगती है, मेरे चाचा को तो तुम जानते हो ना, अगर मैंने तुम्हारे बारे में मेरे चाचा से कहा तो देख लो तुम्हारा क्या हाल हो सकता है। वीरे बाबू का नाम सुनते ही कृष्णा फौरन अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसी तरह कृष्णा दो दिन तक अपनी दुकान ही नहीं खोलता। सो एक रात जब कृष्णा और उसका फ्रेंड कहीं पर जा रहे होते हैं, यही सत्या के बारे में डिस्कस करते हुए सडनली कृष्णा के सामने सत्या आ जाती है। कृष्णा डरते हुए सत्या के सामने जाकर कहने लगता है, प्लीज तुम ये बात अपने चाचा से मत बताओ, तुम मेरे बारे में गलत मत समझना। लेकिन यहाँ पर सत्या उल्टा कृष्णा को प्रपोज करने लगती है, पूछने लगती है कि दो दिन तक तुम कहाँ पर गायब थे, मैंने तुमको कहाँ कहाँ पर नहीं ढूंढा, अगर तुमको मेरे चाचा से इतना ही डर है तो मुझसे प्यार क्यों किया, कल मेरे घर आकर मेरे हाथ कैसे मांगोगे, तुमको पता नहीं कृष्णा तुम मुझसे प्यार करने से पहले मैं तुमसे प्यार करने लगी थी जब मैंने तुमको पहली बार देखा। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करने लगते है। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक गाना चलता है। खैर इसके बाद एक दिन गोपाल अपने बाल कटवाने के लिए कृष्णा की दुकान के पास आता है। तभी सत्या कृष्णा को वीसी करती है व्हाट्सएप में। कृष्णा सत्या को इशारों से बता रहा होता है कि तुम्हारे पापा यहाँ पर है, अब उस दुकान में तो शीशे मौजूद होते हैं। गोपाल शीशों के जरिए से ये चीज देख लेता है। उसके बाद क्या था, कृष्णा और उसका फ्रेंड अपना दुकान बंद करके कहीं पर भाग जाते हैं। गोपाल और वीरा बाबू कृष्णा को ढूंढने लगते हैं गांव में। अब गोपाल भी सोच में पड़ जाता है कि ये करे तो क्या करे, मतलब यहाँ पर कृष्णा एक नीची जाति का लड़का होता है, सत्या एक ऊंची जाति की लड़की। खैर फाइनली एक दिन इसी बात को लेकर गांव में पंचायत बैठती है। सत्या की जात वाले एक तरफ होते हैं, कृष्णा की जात वाले दूसरी तरफ। यहाँ पर भी कृष्णा सारे लोगों से यही बात कहने लगता है कि मैं और सत्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, अगर मैं शादी करूँगा तो सत्या से ही करूँगा। लेकिन गोपाल इसके लिए मना करने लगता है, कहने लगता है कि हमारी जात क्या है, तुम्हारी जात क्या है। अब उसी पंचायत में एक बंदा बैठा होता है, वो बंदा गोपाल को समझाने लगता है, अरे गोपाल जात का क्या है, वो सिर्फ नाम के लिए है, लड़का लड़की एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बस उन दोनों की शादी करवा दो, मुझे ही देख लो मैं भी तुम्हारी जात का ही हूँ, तुम तो बड़ी गद्दी पर बैठे हो और मैं नीचे, गांव में जो तुमको इज्जत मिल रही है वो तुम्हारी जात की वजह से नहीं, तुम्हारी कामों की वजह से, तुम्हारी अच्छाई की वजह से। इस तरह से गोपाल को समझाने लगता है, लेकिन वीरा बाबू अपनी जिद पर अड़ा रहता है। कृष्णा से कहने लगता है, तुम लोग ठहरे नीची जाति के और ऊपर से बाल काटने वाले, कैसे सोच लिया कि हमारी बेटी तुम्हारे घर आएगी, ये हरगिज नहीं होगा। कृष्णा भी गुस्से में आकर कहने लगता है कि देखता हूँ आज के बाद से गांव में किसका बाल कटेगा, कौन तुम्हारे बाल काटेगा, जब तक मेरा और सत्या का फैसला नहीं हो जाता हम कुछ भी नहीं करेंगे। इसके बाद जो कोई भी बंदा गोपाल के घर से गुजरता गोपाल को यही कहने लगता है,
अरे गोपाल, सारे गांव में तुम्हारी ही चर्चा हो रही है, इस मामले को जल्द से जल्द सुलटा दो ना। बेचारा गोपाल परेशान होकर अपनी माँ के पास आकर यही कहने लगता है कि माँ मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। गोपाल की माँ कहने लगती है कि तुम जो भी फैसला करो गांव की भलाई के लिए करो, तुम्हारे फैसले से गांव वालों को नुकसान पहुंचना नहीं चाहिए। दूसरे दिन मेरा बाबू भी अपनी माँ के पास आकर यही कहने लगता है, सारे गांव में हमारी घर की ही चर्चा है माँ। लेकिन इसकी माँ तो कब का मर चुकी होती है, ये चीज मेरा बाबू को बाद में समझ में आता है। उसके बाद गोपाल की माँ का अंतक्रिया का काम खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर रिवाज ये होता है कि अगर किसी के घर में किसी की मौत हो जाए तो उस घर का बेटा अपना सर मुंडवाना चाहिए। लेकिन कृष्णा और उसके साथी कोई भी आगे नहीं बढ़ता वीरा बाबू का मुंडन करने के लिए। सो एक पंडित गोपाल और उसके आदमियों के पास आकर कहने लगता है कि देखो गोपाल, जिद पर अड़े रहने से कुछ भी फायदा नहीं, कितनी देर तक तुम लोग इसी नदी के किनारे बैठे रहोगे, जल्द से जल्द इस मामले को सुलटा लो, कृष्णा को बुलवा लो। देखो गोपाल, ये जात पात सिर्फ नाम के लिए है, तुम भी एक ही भगवान को पूछते हो, वो लोग भी एक ही भगवान को पूछते हैं, और मैं भी। क्या तुमको पता है लड़की वाले एक ही जात के खानदान में लड़की को क्यों देते हैं? क्योंकि वो लड़की बचपन से उसी रीति रिवाज में पली बड़ी, उसी संस्कार को जानती है। ससुराल में अपनी बेटी को तकलीफ ना हो, इसीलिए लड़की वाले अपनी बेटी को एक ही खानदान में देकर शादी करते हैं। अब देखो तुम्हारे लोगों की वजह से सारा गांव के काम पेंडिंग है। इस तरह से वो पंडित गोपाल और वीर बाबू को समझाने लगता है। फाइनली ये दोनों मान जाते हैं। उसी वक्त सत्या कृष्णा को कॉल करके वीरा बाबू का मुंडन करवाने के लिए बुलाती है। इस तरह से ये कहानी यहाँ पर दी एंड होती है। एक्चुअली ये कहानी देखने में बहुत ही अच्छी है, उसी तरह इसके बाद के कहानियाँ बहुत ही अच्छे हैं। कहानी नंबर दो, नाम है अहल्या। एक छोटे से गांव में आधी रात को एक प्रोस्टिट्यूट लड़की अपने हाथ में लालटेन लेकर अपने कस्टमर्स का वेट करती रहती है सड़क के पास, और इस लड़की का नाम है गौतमी। खैर अनलकीली आज गौतमी के पास कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से गौतमी थोड़ा परेशान सी रहती है, लोगों को गालियां देने लगती है। तभी एक स्ट्रेंजर अपने पीछे बैग लगाकर उस जगह पर आता है, आने के बाद किसी गाड़ी का वेट करते रहता है। गौतमी इस स्ट्रेंजर को देखकर इसके पास आती है, कहने लगती है कि 300 लूंगी, चलेगा? स्ट्रेंजर पूछने लगता है किस बात के 300। गौतमी समझ जाती है कि ये कोई नया बकरा है, सो इस स्ट्रेंजर को इग्नोर करते हुए अपने घर जाने लगती है। थोड़ी दूर जाकर दोबारा गौतमी इस स्ट्रेंजर के पास आकर कहने लगती है कि लगता है तुम यहाँ पर नए हो, 10 रुपए के लिए यहाँ पर लोगों का कत्ल कर देते हैं, अगर तुमको कोई एतराज नहीं तो तुम आज रात मेरे घर रुक सकते हो, इतनी रात को कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी यहाँ पर। तो ये स्ट्रेंजर भी बहुत सोचने के बाद गौतमी के पीछे पीछे जाने लगता है। रास्ते के दौरान गौतमी इस स्ट्रेंजर से इसके बारे में पूछने लगती है कि किस काम से यहाँ पर आए हो। स्ट्रेंजर बताने लगता है कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, उसी तरह आर्टिस्ट भी, मेरा कोई ठिकाना नहीं, कभी इधर तो कभी उधर। खैर थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद गौतमी का घर आता है, और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि गौतमी का एक छोटा बच्चा भी है, और इसी तरह गौतमी की एक छोटी सी झोपड़ी भी है। घर के पास आने के बाद गौतमी अपने बच्चे और इस स्ट्रेंजर को खाना परोसने लगती है, खाने के लिए कहती है। तभी गौतमी के घर एक बंदा आता है अपने हाथ में पैसे लेकर, गौतमी से पूछने लगता है कि गौतमी तुम हर एक बंदे के पास जाती हो, मेरे पास क्यों नहीं आती? गौतमी कहने लगती है, अरे यार तुम्हारे पास तो बहुत ही अच्छी बीवी है, बच्चे है, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? वो बंदा कहने लगता है कि गौतमी मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ। सो गौतमी भी फाइनली मान जाती है, उस बंदे को अपने घर के अंदर ले जाती है। ये देखकर गौतमी का छोटा बच्चा उस घर को लॉक कर देता है, मतलब यही इस बच्चे का काम होता है। खैर काम होने के बाद जब वो बंदा गौतमी को पैसे देने वाला होता है, गौतमी मना करने लगती है, उस बंदे से कहने लगती है कि ये पैसे तुम ही रख लो, तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ खरीद के ले जाओ। अब ये सब कुछ देखकर उस स्ट्रेंजर को कुछ भी समझ में नहीं आता। गौतमी कहने लगती है कि अब तुम समझ चुके होगे मैं कौन हूँ। खैर सुबह होने के बाद ये तीनों नदी के पास जाते हैं। गौतमी अपने कपड़े धोने लगती है, गौतमी का बच्चा तैरने लगता है, और इसी तरह वो स्ट्रेंजर अपनी पेंटिंग को ड्रॉ करते रहता है। और जब रात का समय होता है, गौतमी दोबारा अपने हाथ में लालटेन लेकर सड़क के पास जाती है अपना काम करने के लिए। खैर दूसरे दिन सुबह होने के बाद एक बंदा गौतमी के घर आता है, गौतमी से कहने लगता है कि गौतमी ये देखो आज मेरे पास बहुत पैसे है, तुम्हारा पुराना कर्जा भी मैं चुका दूंगा, चलो फटाफट से घर में आ जाओ वरना मुझे लेट होगा। गौतमी इस बंदे की बात मानकर घर में जाती है, गौतमी का बेटा उस घर को लॉक कर देता है। थोड़ी देर बाद जब ये दोनों अपने घर से बाहर आते हैं, वो बंदा गौतमी को पैसे नहीं देता, इस बार भी गौतमी को धोखा दे देता है, मतलब ये बंदा जब कभी भी गौतमी के पास आता गौतमी को पैसे नहीं देता।
कुछ न कुछ बहाना बनाकर अपना काम खत्म करके वहाँ से चला जाता है। खैर थोड़ी देर बाद जब गौतमी अपने बाथरूम में स्नान कर रही होती है, एक्चुअली वो ओपन बाथरूम होता है, तो उस वक्त वो स्ट्रेंजर गौतमी को ही देखता रहता है। गौतमी अपने मन में कहने लगती है कि मैंने सोचा था कि ये बंदा भी कुछ अलग होगा, लेकिन ये भी दूसरे मर्दों जैसा ही निकला, इसकी नज़र भी मेरे तन पर है। खैर स्नान करने के बाद जब गौतमी अपने घर में जाती है कपड़े बदलने के लिए, तो गौतमी अपनी खुद की पेंटिंग को देखती है। मतलब वो स्ट्रेंजर गौतमी को देखकर उसकी पेंटिंग बना रहा था। गौतमी जब इसकी खुद की पेंटिंग देखती है, तब जाके गौतमी को इसकी खूबसूरती का अंदाजा होने लगता है। सोचने लगती है, क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ और मैं इस खूबसूरती को गांव वालों को दे रही थी बिना शर्म किए। ऐसा एहसास होते ही गौतमी फौरन अपने तन को ढकने लगती है, शर्माने लगती है, खुद इसके ऊपर घिन आने लगती है। खैर इसके बाद गौतमी एक अच्छी सी साड़ी पहनकर अपने घर से बाहर आती है, अपने बेटे और उस स्ट्रेंजर को दिखाती है। उसके बाद ये तीनों जंगल में जाकर पत्तियां तोड़ने लगते हैं, ताकि गौतमी इन पत्तों की सिलाई करके प्लेट्स बना सके। मतलब गांव में इन्हीं पत्तों में खाना खाते हैं, जिसका मतलब गौतमी ने प्रोस्टिट्यूट का काम छोड़ दिया। उसके बाद जब गौतमी अपने घर आकर अपने काम में बिजी होती है, दोबारा वो बंदा गौतमी के घर आता है जिसने पैसे नहीं दिया था। इस बार ये बंदा गौतमी के सामने पैसे रखकर घर के अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन गौतमी इस बंदे को मना करने लगती है। कहने लगती है कि आज के बाद से तुम मेरे घर मत आना, मैंने इस काम को छोड़ दिया। उसके बाद ये तीनों बाजार जाते हैं इन पत्तों को बेचने के लिए। अब वो दुकान वाला बंदा गौतमी को ऑलरेडी जानता है। गौतमी को देखकर यही सोचने लगता है कि गौतमी इसके साथ कांड करने के लिए आई, लेकिन गौतमी इस दुकान वाले के सामने पत्ते रखकर पैसे मांगने लगती है। उसके बाद जब ये लोग दूसरी दुकान जाते हैं अपने बेटे के लिए पतंग खरीदने के लिए, वो दुकान वाला बंदा भी गौतमी से यही कहने लगता है कि गौतमी जो चाहे वो ले लो, थोड़ी देर खोपचे में आओ। लेकिन गौतमी इसके मुंह पे पैसे मारकर वहां से चली आती है। उसके बाद ये तीनों किसी जगह पर जाते हैं। गौतमी उस स्ट्रेंजर से कहने लगती है कि मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, तुमने मुझे मेरी खूबसूरती का एहसास दिलाया, मेरी पेट की भूख मुझे वैश्या बना दिया, उसी तरह अपने बच्चे को पालने के लिए मैं ये काम करने लगी, लेकिन अब मैं बदलना चाहती हूँ। उसके बाद दूसरे दिन ये तीनों किसी टेम्पल के पास जाते हैं, तभी उसी गांव का एक बंदा गौतमी को देख लेता है। कहने लगता है, अच्छा हुआ तुम यहीं पर मिल गई, मेरे घर में कोई भी नहीं है, चलो मेरे घर चलो। लेकिन गौतमी इस बंदे को मना करने लगती है, कहने लगती है कि मैंने इस काम को छोड़ दिया। लेकिन ये बंदा गौतमी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर वो स्ट्रेंजर आता है। उस स्ट्रेंजर को देखकर वो बंदा वहाँ से चुपचाप चला जाता है, गौतमी को वार्निंग देते हुए। वो स्ट्रेंजर गौतमी से कहने लगता है कि गौतमी तुमने तो ठान लिया कि तुम बदल जाओगी, लेकिन ये गांव वाले तुमको बदलने नहीं देंगे। बदलना मतलब पत्तियां तोड़ना जैसा आसान नहीं, बदलना मतलब एक युद्ध लड़ने के बराबर है, खुद से पहले सोसाइटी की सोच भी बदलनी होगी, तभी ये गांव वाले तुमको उस नजरिए से देखेंगे। स्ट्रेंजर की बातें गौतमी को बहुत पसंद आती है, बहुत खुश होने लगती है। खैर रात होने के बाद वो बंदा जो टेम्पल के पास नजर आया था ना, गौतमी के घर आता है, गौतमी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। गौतमी की आवाज़ सुनने के बाद गौतमी का बेटा यही सोचने लगता है कि इसकी माँ दोबारा वही काम कर रही है, तो घर को लॉक कर देता है। लेकिन सुबह होने के बाद गौतमी का बेटा और वो स्ट्रेंजर गौतमी के घर में उसकी लाश को देखते हैं, जिसका मतलब उस बंदे ने गौतमी को मार दिया। बेचारा गौतमी का बेटा अनाथ हो जाता है। और यहाँ पर भी भाई साहब एक बहुत ही खूबसूरत गाना प्ले होता है। मैसेज बस इतना है कि अगर आप बदलना चाहते हो तो सोसाइटी आपको बदलने नहीं देगी, इसीलिए पहले सामने वाले की सोच को बदलना होगा, वही एक बदलाव सोसाइटी में फैलता जाएगा। इस तरह से ये कहानी भी दी एंड होती है। तीसरी कहानी का नाम है हैप्पी मैरिड लाइफ। कहानी की शुरुआत में ही प्रशांत नाम का एक बंदा अपने ऑफिस को जाने के लिए रेडी शेडी होने लगता है। तभी कृतिका नाम की एक लड़की प्रशांत को मैसेज करती है व्हाट्सएप में। कृतिका का मैसेज देखने के बाद प्रशांत अपना फ्लैशबैक याद करने लगता है। एक्चुअली 3 साल पहले प्रशांत और कृतिका ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन ये दोनों अपने प्यार की बात कृतिका के फादर को आके बताई। कृतिका का फादर कृतिका से कहने लगता है कि देखो बेटा, प्रशांत बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए 2 ऑप्शंस है, तुम ही डिसाइड कर लो कि तुम कौन सा ऑप्शन चूज करोगी। नंबर 1, प्रशांत के साथ शादी कर अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारो, या तो फिर मेरे बताए हुए लड़के से शादी करके महारानी की तरह जिंदगी जियो, बहुत ही अच्छे पैसे वाले हैं वो लोग। ये सुनने के बाद कृतिका अपने फादर से कहने लगती है कि पापा, बचपन से ही मैं गरीबी की जिंदगी जीती आ रही हूँ, आपकी थोड़ी सी सैलरी मेरी खुशियों को पूरा नहीं कर पाई। बचपन में जब भी मैं स्कूल जाती, मुझे यही डर रहता था कि टीचर मुझे फीस के लिए खड़ा ना करे, मेरे क्लासमेट्स के सामने मेरी बेइज्जती ना हो।
आपकी सैलरी और आपकी गरीबी को देखकर मैंने अपने ख्वाहिशात को मिटा दिया। और जब भी मैं प्रशांत के साथ रहती हूँ, इसके साथ भी यही सेम सिलसिला है। कोई चीज खरीदने से पहले 100 बार सोचने लगती हूँ मैं। लेकिन पापा, मुझे और ये गरीबी की जिंदगी नहीं जीना। भगवान ने मुझे एक मौका दिया इस गरीब जिंदगी से बाहर निकलने का, इसीलिए पापा मैं आपके बताए हुए लड़के से शादी कर लूंगी। ये सब कुछ सुनने के बाद प्रशांत कृतिका से एक ही बात कहने लगता है कि हैप्पी मैरिड लाइफ। उसके बाद सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। कृतिका प्रशांत को किसी कैफे बुलाती है मिलने के लिए। एक्चुअली कृतिका की शादी होने के बाद कृतिका की फैमिली दूसरे शहर चले गए। सो 3 साल के बाद कृतिका की फैमिली दोबारा यहाँ पर शिफ्ट होने वाली है। सो कृतिका पहले आ गई, कृतिका का हस्बैंड 3 दिनों बाद आएगा। मौका देखकर प्रशांत से मिलने के लिए आई। खैर यह होने के बाद कृतिका प्रशांत को कॉल करके कल का प्रोग्राम पूछने लगती है। क्या कल तुम फ्री हो? प्रशांत कहने लगता है कि कल तो मेरा ऑफिस है। लेकिन कृतिका प्रशांत को उसके फ्रेंड का नंबर पूछने लगती है कि वो तुम्हारा फ्रेंड भी हैदराबाद में ही रहता है ना, क्या तुम मुझे उसका नंबर दे सकते हो? अब प्रशांत कृतिका को मना ना करते हुए कहने लगता है ठीक है, मैं खुद आ जाऊंगा, कब पिकअप करना है बताओ। उसके बाद प्रशांत और कृतिका ये दोनों हैदराबाद घूमने लगते हैं अपनी बाइक पर। रात होने के बाद प्रशांत कृतिका को किसी पब में ले जाता है। कृतिका बहुत दारू पीते हुए प्रशांत से कहने लगती है कि यही लाइफ मुझे चाहिए। एक्चुअली बात यह है प्रशांत, जब मेरा पति आएगा तो मुझे घर से बाहर नहीं भेजेगा, इसीलिए मैं इन 3 दिनों में बहुत एंजॉय करना चाहती हूँ और थैंक यू वेरी मच जो मुझे कंपनी देने के लिए। खैर दूसरे दिन कृतिका प्रशांत के घर का एड्रेस पता करके उसके घर जाती है। बातों ही बातों में कृतिका प्रशांत को सेड्यूस करने लगती है। उसके बाद ये दोनों वो वाला काम करने लगते हैं। तीसरे दिन प्रशांत खुद कृतिका के घर जाता है वही काम करने के लिए। कांड होने के बाद कृतिका प्रशांत का फोन लेकर कॉल हिस्ट्री, व्हाट्सएप मैसेजेस सारे के सारे डिलीट कर देती है। प्रशांत से कहने लगती है कि शाम तक मेरा हस्बैंड आ जाएगा, इसलिए प्रशांत तुम मुझे कॉन्टेक्ट मत करो, अगर मुझे खुद तुमसे बात करनी हो मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगी। लेकिन घर आने के बाद प्रशांत कृतिका को बहुत मिस करने लगता है क्योंकि 3 साल बाद इसको इसका प्यार मिला है। सो दूसरे दिन कृतिका को बिना बताए कृतिका के घर जाता है, उसे फोन करके कहने लगता है कि प्लीज मुझसे एक बार बात करो। प्रशांत को अपने घर के पास देखने के बाद कृतिका इसको डांटने लगती है, अरे मैंने कल तुमको बताया था ना मुझे कॉल मत करो। ओके ठीक है, तुम पीछे दरवाजे से आओ। इस तरह से प्रशांत को अपने घर में लाती है। दोबारा इसको डांटने लगती है कि आज मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, तुम क्यों मेरे घर आए, मैंने कहा था ना तुमको मुझसे कॉन्टेक्ट मत करो। प्रशांत कृतिका को कुछ बताने की कोशिश करने लगता है लेकिन कृतिका प्रशांत को मौका ही नहीं देती। तभी प्रशांत चिल्लाते हुए कृतिका से कहने लगता है कि मुझे एड्स है। यह सुनने के बाद कृतिका के तो बहुत बड़े यल लग जाते हैं। पूछने लगती है क्या तुम ये बात मुझे अब बता रहे हो? कांड करने के बाद प्रशांत रोते हुए कहने लगता है कि देखो कृतिका, मैं खुद ही से तुम्हारे पास नहीं आया, मैं तुमको दूर ही रखता रहा लेकिन तुमने खुद मुझे खींच लिया, अब तुम मुझे 3 साल बाद मिली, मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता था। कांड होने के बाद मैंने तुमको बताने की कोशिश की लेकिन यही सोचकर रुक गया कि तुम दोबारा मुझसे दूर हो जाओगी, मुझसे नफरत करोगी। खैर प्रशांत जाने के बाद कृतिका यही सोचकर डिसअपॉइंट होने लगती है कि अब ये करे तो क्या करे। तभी वहाँ पर कृतिका के हस्बैंड की एंट्री होती है। कृतिका अपने हस्बैंड को देखकर अपना फ्लैशबैक याद करने लगती है जब कृतिका और उसके हस्बैंड की नई नई शादी हुई थी। कृतिका का हस्बैंड जब मन करे तब कृतिका को बेडरूम में बुलाया करता था, कृतिका को बहुत ही प्यार से बेड पर सुलाता था। लेकिन जब तक कृतिका अपनी साड़ी का पिन निकालती तब तक कृतिका के हस्बैंड का हो चुका होता है। और इसी तरह एक और एग्जांपल ये है कि एक दिन कृतिका अपने किचन में मैगी बना रही होती है, उसी वक्त इसका हस्बैंड बेडरूम में बुलाता है। लेकिन जब तक मैगी तैयार हो जाती इसका पति का हो चुका होता है। अब आप जानते हो कि मैगी कितने मिनट में बनती है। खैर प्रेजेंट डे पर कृतिका का हस्बैंड दोबारा कृतिका को बेडरूम में बुलाता है। बेडरूम में आने के बाद जब इसका हस्बैंड इसके साथ कांड करने की कोशिश करता है, कृतिका इसको अपने पास ही नहीं आने देती, इसको दूर ढकलने लगती है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाती है। कृतिका का हस्बैंड इससे गुस्सा होने लगता है। उसके बाद एक दिन कृतिका गूगल में HIV क्लिनिक के बारे में सर्च करने लगती है। दूसरे दिन मौका देखकर कृतिका उस क्लिनिक को ढूंढने लगती है। इत्तेफाक से उसी जगह पर प्रशांत भी होता है, किसी से फोन में बात करते रहता है। तभी कृतिका प्रशांत के सामने आकर पूछने लगती है कि तुमने मेरी जिंदगी को क्या से क्या बना दिया, अब मैं मेरे पति को क्या जवाब दूंगी, इतने सालों तक मैंने मेरे पति को नहीं समझा और जब मैं मेरे पति को समझ गई मेरे पास जिंदगी बाकी नहीं रही। लेकिन प्रशांत कृतिका को सच बताने लगता है कि कृतिका मुझे कोई HIV/AIDS नहीं है, मैं बस तुम्हारे गलतियों का एहसास दिलाने के लिए तुमसे झूठ कहा। तुम कितनी सेल्फिश हो कृतिका, ये तुमको पता है? जब तुम और मैं तुम्हारे पापा के पास गए थे हमारी बात करने के लिए, उस वक्त तुमने अपने पापा की परवरिश पर ही उंगली उठाई और मेरे प्यार को ठुकरा दिया।
जिंदगी में सब कुछ पैसा नहीं होता। उस वक्त पैसे मेरे पास नहीं थे, लेकिन आज है। अगर क्या होता तुमको HIV हो तो क्या तुम्हारा पैसा तुमको बचा पाएगा? और उस दिन जब मैंने तुम्हारे साथ आने से मना कर दिया, तुमने मेरे फ्रेंड का नंबर पूछा। हाउ सेल्फिश यू आर कृतिका। जब मैंने तुम्हारा मैसेज देखा तो मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इतनी खुदगर्ज इंसान बनोगी। इस तरह से प्रशांत कृतिका को बहुत लानतान करके वहाँ से चला जाता है। इसको एक अच्छा सा सबक सिखा के जाता है। कहानी नंबर 4, नर्तनशाला। कहानी की शुरुआत में अर्जुन नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो इसका एक्सीडेंट हो चुका है। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है। एक्चुअली अर्जुन का एक डांस इंस्टीट्यूट होता है। एक दिन सुनैना नाम की एक लड़की अर्जुन को कॉल करती है, यही पूछने के लिए कि डांस सीखने के लिए कौन सा टाइमिंग है, क्या क्या डांस वगैरह सिखाते हैं, क्या अर्जुन के इंस्टीट्यूट में क्लासिकल डांस भी सिखाते हैं, इसको क्लासिकल डांस सीखना है। अर्जुन यही बात कहने लगता है कि अगर आपको कुछ जानकारी हासिल करना हो आप प्लीज इंस्टीट्यूट आ जाइए। लेकिन इसके बावजूद भी सुनैना हर बार अर्जुन को कॉल करके तंग करती रहती है, डायरेक्ट पूछने के लिए अर्जुन के इंस्टीट्यूट नहीं आती। सुनैना से तंग होकर एक बार अर्जुन सुनैना को डांट भी देता है। इसी दरमियान में एलेक्स नाम का एक बंदा अर्जुन के पास आता है। अर्जुन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि इसके इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप करना चाहता है। सो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद अर्जुन एलेक्स को अपने इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लेता है। एक दिन जब दोबारा सुनैना अर्जुन को कॉल करती है, अर्जुन सुनैना को सॉरी बोलने लगता है क्योंकि उस दिन अर्जुन गुस्से में आकर सुनैना को डांट दिया था। सो देखते ही देखते इन दोनों के बीच बहुत बातें होने लगती है। अर्जुन को भी सुनैना की बातें बहुत पसंद आने लगती है। एक दिन अर्जुन सुनैना की बात एलेक्स से शेयर करने लगता है। तब तक अर्जुन और एलेक्स भी ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। उसके बाद अर्जुन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सुनैना अपनी फोटो भेजती है। सो अर्जुन सुनैना की फोटो पहले एलेक्स को दिखाता है, बाद में ये देखता है। सो सुनैना की फोटो देखने के बाद अर्जुन हमेशा सुनैना को अपने पास इमेजिनेशन करने लगता है, जैसा सुनैना के साथ डांस कर रहा हो, उसके साथ BF कर रहा हो। एक दिन अर्जुन सुनैना को कॉल करके बताने लगता है कि सुनैना एक्चुअली मैंने तुमको कब का देख लिया था बीच के पास, लेकिन मुझे नहीं पता था कि डेस्टिनी हमको इस तरह से मिलवाएगी। सो अर्जुन और सुनैना ये दोनों एक दिन बीच के पास मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं। सो उसी तरह से सुनैना अर्जुन के सामने आती है। अर्जुन जब सुनैना को देखता है तो वो लड़की नहीं बल्कि लड़का होता है, मतलब एलेक्स होता है। एलेक्स एक गे होने की वजह से अर्जुन से प्यार करने लगा था, अर्जुन से मिलने की कोशिश किया करता था। सो एलेक्स अर्जुन के करीब जाने के लिए लड़की की आवाज में इसको कॉल करने लगा और लड़का बनकर इसके इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हुआ। एलेक्स की सारी बातें सुनने के बाद अर्जुन एलेक्स के प्यार को ठुकरा कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अर्जुन का एक्सीडेंट हो जाता है, ये नीचे गिर जाता है। तभी अर्जुन अपनी आँखों के सामने उस फोटो वाली लड़की को देखता है जो एलेक्स ने भेजा था, मतलब डेस्टिनी ने अर्जुन और इस लड़की को कुछ इस तरह से मिलवाया। कहानी नंबर 5, अनगनगा, मतलब वंस अपॉन ए टाइम। कहानी की शुरुआत में ही कमला नाम की एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है। कमला का एक लाडला सा पोता भी होता है जिसका नाम है सिद्धू। सिद्धू को भी अपनी दादी से बहुत प्यार होता है। कमला सिद्धू को बहुत ही प्यार से पानी नहलाती, कहानियाँ बोलते हुए उसको खाना खिलाती, उसी तरह कमला सिद्धू को अपने पास ही सुलाती थी। एक दिन कमला सिद्धू को उसके दादा की कहानी बताने लगती है कि इसके दादा का नाम रंगादास था, बहुत ही बलवान थे, अच्छे आदमी थे, गांव के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, लोगों में बहुत दान किया करते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तभी कमला की बड़ी बहू ज्योति कमला के कपड़े पैक करने लगती है। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि कमला के दो बेटे हैं, छोटा बेटा शहर में रहता है और बड़ा बेटा यहाँ पर इसी गांव में। कमला एक महीना कभी बड़े बेटे के घर में रहती, कभी छोटे बेटे के घर में। अब यहाँ पर आए हुए महीना खत्म हो चुका होता है, इसलिए ज्योति कमला के कपड़े पैक करके शहर जाने के लिए कहती है। लेकिन कमला यहीं पर पली बड़ी, ये गांव ही इसका घर है, यहाँ पर इसका खुद का इतना बड़ा घर है, शहर में इसको कोई बात करने वाला नहीं, क्योंकि कमला का छोटा बेटा और उसकी बहू ड्यूटी पर चले जाते हैं। दिन भर कमला घर में अकेली पड़ी रहती है, लेकिन इस गांव में तो कमला के पास सिद्धू है, कमला की सहेलियां हैं। लेकिन ज्योति कमला को जबरदस्ती उसके छोटे बेटे के पास भेजने लगती है। ये देखकर सिद्धू कमला से पूछने लगता है कि दादी माँ क्यों तुम कभी पापा के पास कभी चाचा के पास रहती हो, क्या तुम्हारा कोई घर नहीं? ये सुनने के बाद कमला का दिल बहुत दुखी होने लगता है, मतलब कमला के पास इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी कमला इधर उधर घूमती रहती है। खैर जो भी हो, कमला अपने छोटे बेटे के पास चली जाती है। उसके बाद ज्योति अपने बेटे सिद्धू को नहलाने की कोशिश करती है। अब बच्चे तो है, शरारत तो करेंगे ही। जब भी सिद्धू अपने माँ के साथ कोई मजाक करता, ज्योति इसको डराने लगती है कि अगर तुमने दोबारा शरारत की तो मैं तुमको भूत को दे दूंगी। और इसी तरह सिद्धू को जब खाना खिलाती है, इसको कुछ भी कहानियाँ नहीं सुनाती।
सिद्धू को कहानियाँ सुनाने के बजाय उल्टा इसको डराने लगती है। अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं तुमको शैतान के हवाले कर दूंगी। इस तरह बेचारी कमला अकेली घर में पड़ी रहती है। डेज गिनने लगते हैं कि कब महीना गुजरेगा, कब मैं अपने गांव लौटूंगी, कब मैं सिद्धू को देखूंगी, कब मैं मेरे घर को देखूंगी। खैर एक रात जब सिद्धू अपने माँ के बगल में सो रहा होता है, सिद्धू को उसकी माँ की बातें याद आने लगती है, वही डरावनी बातें। दूसरी तरफ कमला को अपना पोता याद आने लगता है, केस के साथ कितना अच्छे से खेला करती थी, टाइम ही नहीं समझ में आता था, पता नहीं दिन कब गुजर जाता था। इस तरफ बेचारा सिद्धू डर के मारे अपनी नींद से जाग जाता है और अपनी माँ से डर कर वो झूले में जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद हम ये देखते हैं कि वो झूला धीरे धीरे झूल रहा है, जिसका मतलब शायद कमला मर चुकी है, कमला की आत्मा सिद्धू को झूला रही है। इस तरह से ये होल मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। इस कहानी से हमको दो सीख मिलती है कि कभी भी बच्चों को डराना नहीं चाहिए, क्योंकि बचपन में जब एक बात दिमाग में घुस जाती है वो बड़े होने तक ऐसे ही रहती है। मेरे साथ भी ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ, मैं अभी भी उस बात से डरता हूँ। मुझे पता है कि वो फेक है, लेकिन वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई। अब कमला के बारे में बात करें तो बूढ़े लोगों को बच्चों से खेलना बहुत पसंद होता है, लेकिन आजकल बच्चे अपने माँ बाप को बांट लेते हैं कि बाप तेरा माँ मेरी। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।